क्योंकि युवान को उसकी ममा की जरूरत है, उसकी ममा की लाड दुलार ममता की जरूरत है। एक मिनट, युवान को इस हालत तक आपने पहुंचाया है, अब तो मैं आपको युवान के आसपास बर्दाश्त भी ना करूंगी। जिद्दी बननी चाहो, ठीक है, मैं नहीं जाती, तुम्हें जितना जोर लगाना है लगा लो, हम भी तो देखें कि तुम युवान को होश में ला भी पाती हो या नहीं, और अगर नहीं ला पाई तो हर वक्त तो ऐसे बन्नी दुलन कर करके मारा सिर खा जाते थे। अब चुप, एकदम चुप हो, कुछ बोल ही ना रहे हो। माना कि तुम जिद्दी हो और जिद कर करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। तुम ऐसी जिद करो ना युवान, करो ना वही जिद। बोलो ना, क्या चाहिए थारी बन्नी दुलन से? क्या चाहिए? मारे को अपना वो जिद्दी वाला युवान वापस चाहिए। लेकर आओ उसे वापस। वो युवान वापस चाहिए जो कुछ ना कुछ बोलता रहता था, जिसका मुंह थकता ही ना था, मुंह दुखता ही ना था बोलने से। वो युवान जो मीठा मीठा सा कुछ ना कुछ बड़बड़ करता रहता था। वो मुझे सुनना है, वो बड़बड़ सुननी है। बोलो, वो युवान कहाँ है जो अपनी बनी दुल्हन के सारे दर्द भुला देता था म्यूजिक बजा के? वो युवान कहाँ है जिसने वादा किया था कि तुम उसकी आंखों में कभी भी वो दर्द वाले आंसू ना आने दोगे? युवान, तेरा प्रॉमिस टूट रहा है, देख, वो दर्द वाले आंसू आ रहे हैं। तुम तो अपनी प्रॉमिस करती ना तोड़ते थे ना युवान। युवान, तुम चाहते थे ना कि तारी बननी दुल्हन थारे लिए डांस करे, तो लो, थारी बन्नी दुल्हन थारे लिए डांस करेगी, और वो भी अठे थारे सामने। तुम फिर ऐसे ऐसे करके जोर जोर से तालियां बजाना। We'll be right back.
युवान। युवान बेटा, बेटा देखो ना, मम्मा आई है, युवान की मम्मा आई है युवान से मिलने के लिए। युवान, सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मम्मा युवान को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है युवान, और मुझे पता है कि युवान अपनी मम्मा से ना बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। युवान, ये सच नहीं है कि मम्मा वहां से चली गई। युवान याद है, मम्मा ने युवान को उस तारा घर में भी बचाया था ना, तो फिर मम्मा तुम्हें आज क्यों नहीं बचाती? मम्मा तुम्हें आज बचाना चाहती थी युवान। युवान, मम्मा ना तुम्हें गाड़ी के अंदर बिठाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर गई ना, उसका दरवाजा लॉक हो गया। मैंने बहुत कोशिश की दरवाजा खोलने की, लेकिन दरवाजा ही नहीं खुल रहा था, और पता नहीं चाबी कहीं गिर गई थी गाड़ी में। और जब तक मुझे चाबी मिली युवान, तो मैंने तुम्हारे साथ बन्नी को देखा, उसने तुम्हें अपनी ओर खींच लिया था युवान। लेकिन तब भी मैं वहां से भागी किसी से मदद मांगने के लिए, कि कोई मेरे युवान को बचा ले उन कुत्तों से। मम्मा आपकी हेल्प करना चाहती थी। युवान प्लीज मम्मा को कुछ बोलो, मम्मा को देखो, मम्मा से बात करो, मम्मा को, मम्मा बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं युवान। युवान कुछ बोलो, प्लीज बोलो युवान। ठीक है, अगर युवान अपनी मम्मा से नाराज रहना चाहता है तो ठीक है, मैं किसके लिए यहाँ रहूंगी? युवान की मम्मा को लगता है अब युवान को उनकी जरूरत नहीं है, तो फिर मैं वही चली जाती हूँ जहां से मैं आई थी, तारों से। मम्मा जा रही है युवान, मम्मा जा रही है। युवान ने अपनी फिंगर हिलाई, आप लोगों ने देखा ना, युवान ने अपनी उंगली हिलाई। युवान अपनी मम्मा की बातें सुन रहा है ना, है ना युवान? युवान, मम्मा बहुत बहुत प्यार करती है तुमसे। बनी बनी यहाँ आके युवान को बोलो कि मैं ही उसकी मम्मा हूँ, और बताओ कि उसकी मम्मा उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। बोलो ना बनी, बोलो। हाँ, बोल दे युवान से, यही उसकी माँ है, वंदना मामा। मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ युवान, ताकि तुम कुछ बोलो। हाँ युवान, यही थारी मम्मा है, यही थारी वंदना मम्मा है। युवान, तुम सही थे और बन्नी गलत थी, थारी वंदना मम्मा इनमें ही है। युवान, बन्नी से ना पहचानने में गलती हो गई, मेरे को लगा कि ऐसे कैसे माँ तारों से वापस लौट आएगी, पर ये सच है युवान कि थारी मम्मा तारों से लौट आई है, वो भी थारे लिए। हाँ युवान, यही थारी वो तारों वाली मम्मा है जो थारे लिए आई है, तभी तो अपने बेटे का गिफ्ट देने वाला आइडिया फ्लॉप ना होने देने के लिए इन्होंने घेवर के लिए हलवाई को बुलाया था, और
थरे कपड़ों पे चंदा मामा सिया था और फिर युवान को तारा घर में भी मम्मा ने ही तो बचाया था। और फिर वो कुत्तों से थारे को बचाना चाहती थी पर सच में उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलना रहा था। युवान सच में इन्हीं में थारी मम्मा है। देखो थारी मम्मा थारे सामने है, उनसे कुछ बोलो ना, कुछ बात तो करो। ये देखो थारी वंदना मम्मा लौट आई है। युवान थारी वंदना मम्मा थारी पास है, कुछ बोलो ना युवान। माँ डॉक्टर ने बुला के लाओ। डॉक्टर साहब अभी सुमान ने आंखें खोली थी और मम्मा बोल रहा था और वापस। अगर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है ये बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन आप लोगों को बाहर जाना होगा ताकि ये आराम कर सके। इनके ठीक होने की संभावना अच्छी है। मेरे को माफ कर देना बेटा, मां की हालत देखते हुए मेरे को ये फैसला लेना पड़ेगा कि माननीय वंदना है, क्योंकि तू अच्छी तरह जाने बेटा कि मां के वास्ते उसकी मां से बढ़कर और कुछ ना है। इसलिए जब तूने जैसे ही कह दिया कि माननीय उसकी मां ना है, वो इस सदमे से बर्दाश्त ही ना कर पाए, लेकिन जैसे ही तूने कह दिया कि उसकी माँ माननी के रूप में उसके साथ है, एकदम उसके शरीर में एकदम से हरकत होने लग गई। मैं जानू दादू साहब, तभी तो मैंने भी इस झूठी कहानी में हामी भरी, क्योंकि आज के दिन युवान की जिंदगी से बढ़के सच भी ना है। मैं ईश्वर से बस प्रार्थना करूं कि कल भी युवान को इस सच्चाई का सामना करने की और इस सच्चाई को अपनाने की ताकत दे, क्योंकि झूठ कभी ना जीत सके। अगर झूठ जीतने लगा तो सब खत्म हो जाएगा दादू, सब खत्म हो जाएगा। वेलकम बन्नी। समय का चक्कर अब उल्टा घूमेगा। समझो कि तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू।
अब सब कुछ पलट जाएगा बन्नी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जैसे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो शादी, वो सात फेरे, सात वचन, वो सात जन्म निभाने की कसम, सब कुछ बन्नी, सब कुछ वक्त की जेब में वापस सरक जाएगा। और फिर तुम बन्नी युवान सिंह राठौर से सिर्फ बन्नी रह जाओगी, सिर्फ बन्नी। और वो तुमने युवान को क्या सिखाया था? हम नहीं रहेंगे, वो मैं और तुम हो जाएगा। बन्नी चाओ, अपने दिन और अपने पल गिनना शुरू कर दो। जिन पैरों से तुम मेरे घर में आई थी, उन्हीं पैरों से लौट कर वहीं पहुंच जाओगी जहां से तुम आई थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।